भी कह रहे हैं क्या सिर्फ मुस्लिम औरतों की ही खैर खा है सरकार, क्या और भी जो लोग हैं चाहे धर्म सिख धर्म में हो ईसाई में नहीं हो, हम तो बिल्कुल बिल्कुल औरतों की फिक्रमंद नहीं, नहीं हम बिल्कुल मुस्लिम महिलाओं की ही बात नहीं करते हैं, हम उनकी बात करते हैं जो भी एग्रीव्ड हैं, जो भी अभी समाज में बरसों से पीड़ित हैं, समाज में इनसिक्योर्ड हैं, असुरक्षित हैं। आज अगर मुस्लिम महिलाएं निकाह के बाद इस तरह से जैसे किसी गुस्से में, अभी आपने देखा रामपुर का दो यूपी में इस तलाक लोकसभा के पास होने के बाद भी जिस तरह से गुस्से में कि उस 19 साल बाद तलाक दे दिया और बच्चों के साथ वो सड़क पे आ गई, तो हम उसकी मदद कर रहे हैं कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इस तरह के बिल अगर हम ला रहे हैं तो हम सबको सिक्योर्ड, सबको समानता, सबको जस्टिस देने की बात इस तरह के बिल क्या सर हिंदू औरतों के लिए जो मथुरा में जो वृद्धाश्रम में लोग हैं जो उन लोगों को भी डाइवोर्स कर दिया जाता है और वो फिर बेचारी अपनी जिंदगी जीने के लिए परेशान है, वृद्धाश्रम में बहुत सारी औरतें हैं, क्या उन लोग के लिए नियम कानून नहीं? नहीं देखिए सबके लिए ओल्ड एज होम हम बनवा रहे हैं, हमारे लिए वृद्धा और विधवा और वृद्धा के लिए पेंशन स्कीम्स हैं, बहुत सी स्कीम्स हैं, चाहे वो मथुरा की हों चाहे देश के किसी हिस्से की हों, उनके लिए भी हमारी योजनाएँ हैं। और जहाँ तक चाहे हिंदू भी कोई विडो है तो उसको समाज सोशल सिक्योरिटी से कवर कर रहा है, और अगर मतलब कहीं भी कोई अग्रीव है तो उसकी भी हम मदद कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे कहा है पाकिस्तान को कि हमसे फंड लेके ये टेररिज्म को बढ़ावा, तो आज तो पाकिस्तान बेनकाब हो गया। कम से कम ट्रंप ने जो भारत का स्टैंड था कि जो फंड मिलता है उस फंड को आतंकवादियों के फंडिंग होती है, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग होती है, आज इतने दिनों बाद कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वो बात कही जो भारत कह रहा है। सर क्या इसे तो भारत की कूटनीतिक जीत की तरफ? नहीं कूटनीतिक जीत नहीं है, जिससे दुनिया पीड़ित है जिस वायलेंस से जिस आतंकवाद से उसके उसके खिलाफ एक तरह से हमारी जीत है।